क्योंकि ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है ये बहुत सख्त है। यहाँ इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, लॉकडाउन हो गया लेकिन ज़रूरत के मुताबिक बाहर जाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं जा रहे, तो इसलिए यहीं हमारी रोकथाम होगी और हमें अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत करनी चाहिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों से बड़ी अपील करते हैं कि जो हमारी हुकूमत, जो हमारे बंदे हमसे कहते हैं, हम उन पर अमल करें। अमल भी करना चाहिए क्योंकि ये हमारे फ़ायदे की बात है। हाथ अच्छी तरह धोएं, मुंह को धोएं, बाहर जाएं तो अपना मुंह लपेट के जाएं, हाथ धो कर जाएं, फिर आएं तो हाथ धो लें। प्लीज़ हाथ को एक मिनट 50-60 सेकंड तक उसको अच्छी तरह साबुन लगा के मल के धोएं, क्योंकि जो जरासीम है मर जाएं। गर्म पानी पिएं, दिन सुबह उठते एक दफ़ा लाजमी गर्म पानी पिएं, नीम गर्म पानी पिएं, जो जरासीम होते हैं वो गले में ही मर जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप दुआएं भी करें, नमाज़ें भी पढ़ें। कल मैंने देखा कि हमारे मुल्क में अजानें हो रही हैं, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह घरों को आबाद शाद रखे और हमें खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने वीडियो छोड़ी, अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। यहाँ ये कपड़े डाले हुए थे धोकर, अब देखती हूँ इनको उतार लेती हूँ। तो यहाँ मैंने फेंसा खोला है ताकि अंदर ताज़ा हवा आ जाए, हमें भी ताज़ा हवा मिल जाए, थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं। दिल चाहता है कि बाहर निकल के बैठे, कितना प्यारा मौसम है, अच्छी धूप निकले, विटामिन डी मिलेंगे। चलो, जो अल्लाह ताला हमें देता है उसकी हमें सहनी पड़ती हैं और सह भी लेते हैं। लेकिन आप लोगों से फिर बार बार यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ अंदर रहें। तो यहाँ मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, ये बर्तन से मैं पहले इनको धो लूँ। सुबह को टाइम है 9:30 बज गए हैं, पहले उठी हूँ, मैंने नमाज पढ़ी है, वो काम पे गई हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई, तो अब उठी हूँ, तो नाश्ता बनाने खा लूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद फिर दोपहर का करूँगी। तो यहाँ मैं परांठा बनाने लगी हूँ। तो इसी तरह मैं इसको बल देती जाऊंगी, लच्छेदार पराठा बनेगा। अब ये
इसको ऐसे कर लेंगे लंबा थोड़ा सा। ये ऐसे अब इसको इसे बाल देते जाएंगे। ये देखो जितने बाल आएंगे उतना ही अच्छा लच्छेदार पराठा बनेगा। ऐसे मैंने पेड़ा बना लिया, ये देखें। अब मैं इसको बेल लूँगी थोड़ा सा सुखा लगा के। अगर आप पतला बनाना चाहते हैं पतला बनाएं, वरना आप ज़रा थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो उससे बाल अच्छे बनेंगे। यह मेरा तवा गर्म हो गया, अब मैंने इसके ऊपर रख दिए। इसी तरह घी लगा लेंगे दोनों साइडों पे। अब इसको पलट लेंगे। ये देखें पराठा तैयार हो रहा है। माशाल्लाह कितना अच्छा कितना प्यारा बना है। प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट है, अपनी सेहत का ख्याल सब रखें। आप अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये मेरा पराठा तैयार हो गया। तो यहाँ देखें पराठा मेरा तैयार हो गया। माशाल्लाह देखें अंदर से कितने बाल आए हैं। तो यहाँ नाश्ता तैयार हो गया। अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलूँगी अब दोपहर को जब किचन में जाऊंगी। अब इसके बाद मैं कपड़े इस्त्री करूंगी और घर की क्लीन करूंगी, उसके बाद फिर किचन में जाएंगे। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखना, अपनी जानों का हिफाजत करना, अपने प्यारों से मोहब्बत से रहें, अपने उनके ख्याल रखें, अपने आस पास ध्यान रखें। इस हालात में अगर किसी के घर कोई खाना है या नहीं है प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, ख़ासकर पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ तो हमारे हालात हम सबको पता है कि कैसे हैं। कोई किसी के घर नहीं भी होता खाने का, प्लीज़ प्लीज़ आसपास देखते रहें। चलें इजाज़त चाहती हूँ इसी दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हम नासर हो। अल्लाह हाफिज़।